अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरने वाली, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के जरिए काफ़ी एक्टिव रहने वाली और दबंग दबंग टू, हाउसफुल, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों को यादगार बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल शनिवार शाम को मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अभिनेत्री मलाइका एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राहत की बात यह है कि मलाइका को मामूली चोटें ही आई हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिली है कि खोपोली एक्सप्रेसवे पर अचानक तीन गाड़ियों के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद तीनों गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक गाड़ी में मलाइका अरोड़ा भी सवार थी, जो कि एक फैशन इवेंट को अटेंड करने के बाद वापस अपने घर लौट रही थी। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत खोपोली पुलिस स्टेशन को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक घटना की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हालांकि मलाइका की सेहत की बात करें तो उनके करीबी दोस्त ने बताया है कि उन्हें कुछ टाके लगाए गए हैं, जिसके बाद वो अब ठीक महसूस कर रही हैं। हालांकि सिर पर चोट लगना खतरनाक होता है और उनके सिर पर ही चोटें आई हैं, लेकिन वो हल्की चोटें हैं, इसलिए ये चिंता का विषय नहीं है। इलाज के दौरान उनका सीटी स्कैन भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और सब कुछ नॉर्मल है। और आज सुबह ही मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा ने ये अपडेट दिया है कि मलाइका अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, जिसके चलते उन्हें आज सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।